सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। मैं नहीं मानता इन पेपर्स को और ना इस पावर ऑफ अटॉर्नी को। मेरी तुम कुछ नहीं लगती, समझ में आया? अरे अरे अरे, कितना बोलते हैं ये नए विनायक पांडे। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है विनायक, आपका भी पूरा हक है इस कंपनी में। आप एमडी जो हैं इस कंपनी के। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? इन कागजों पे नाम लिखने से साबित नहीं हो जाता कि तुम मालिक हो। गुस्सा ना आपके नाक पे रहता है विनायक, पर ठीक है, आप माने या ना माने, कोर्ट को तो मानना पड़ेगा ना। पर अगर आप हमें इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस करेंगे और फिर आपके नाम के साथ साथ आपके कंपनी के शेयर के दाम भी गिर जाएंगे। हम जानते हैं आपको हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन आपको हमें याद करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको याद आ जाएगा कि हम ही आपकी सिद्धि। वो कहते हैं ना, पत्नी को भूलना पति के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सॉरी विनय, लेकिन हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। इसी में इस घर की, आपकी, सबकी भलाई। आज भले आप हमें ना समझ रहे, लेकिन हमें यकीन है एक दिन आप हमें मानेंगे भी और हमारी बात को समझेंगे भी। बेटा हमें माफ कर दे, इस वक्त हम खुद को इतना लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं कि तुझे अपने लिए लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है और हम तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहे। बेटा ऐसा नहीं है बुआ जी, आप क्यों माफी मांग रही? अब हम आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे। अच्छा वो तो आ गए। कल रात को विनायक भाई सीढ़ियों से गिर गए थे, मरते मरते बचे हैं वो। ये मान लो कि किस्मत अच्छी थी। अगर अपने सुहाग को बचाना चाहती है तो तुरंत उसके पास वापस लौट जा। अगर तूने अपने पति का साथ छोड़ दिया तो मौत उसे नहीं छोड़ेगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम अपने विनायक की रक्षा करने के लिए वापस आ गए। अब चाहे वो हमें कितना भी टॉर्चर करे, कितनी भी बेइज्जती करे, हम ना कभी उन्हें छोड़ के जाएंगे ना इस घर को। हमारे इस परिवार के दुखों के अंत का समय आ गया। कल दिवाली पे दियों का उजाला हमारे परिवार के हर अंधेरे को मिटा देगा। कल इस घर के लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हमने वो पार्टी भी रखी। तुम अभी जानती नहीं हो विनायक पांडे को, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम मजबूर हो जाओगी इस घर को छोड़ने को। बहुत अच्छा खेल खेला तुमने इस घर में रुकने के लिए, लेकिन अब विनायक पांडे की बारी है चाल चलने की। मजबूर कर दूंगा तुम इस घर को छोड़ने पे, तो अपनी जिंदगी से दफा कर दूंगा, क्योंकि आगरा के सबसे फेमस और सबसे हैंडसम लड़के की जिंदगी में तुम जैसी सांवली लड़की नहीं बल्कि कोई खूबसूरत परी लिखी जो बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आने वाली और जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।
सेल्फ दीदी हो। डोंट वरी, जब तक रिद्धि दीदी आपके साथ है तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं था कितने जल्दी छोड़ के चली जाएगी हम। अभी तो हमने जीना शुरू किया था माया, पूरी जिंदगी बची थी हमारी एक साथ हंसने और रोने के लिए। काश हमारी बहन हमारे पास वापस आ जाती, काश हम उसे गले लगा पाते, उसे प्यार कर पाते। चली गई माया, क्यों चली गई अपनी बहन को छोड़ के। लो आ गई मैं वापस। वाओ, ये फ्लावर्स तो मेरे लिए लाई है, क्या टाइमिंग है यार तेरी। अब यही फ्लावर्स मैं जाके विनायक पांडे को दे दूंगी, द वन एंड ओनली विनायक पांडे, पांडे ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, सब कुछ यही है। इंटरेस्टिंग, पर मैंने तो नाम भी नहीं सुना है इस विनायक पांडे का। तो फिर सुना क्या है तूने? ये देख, ये है विनायक पांडे, इसने अभी अभी हमारी कंपनी को टेक ओवर किया है। और पता है आज हमारे लिए वेलकम पार्टी रखी है अपने घर पे। आई कांट बिलीव इट, आज इसे मैं अपनी आंखों से, अपने बिल्कुल सामने से देखूंगी। कितना हैंडसम है यार, देखना। अरे मुझे नहीं देखना, तू ही देख। पता भी है पूरी आगरा की लड़कियां सपने देखती हैं इसको सिर्फ एक बार मिलने के। तू ना एक नंबर की बोरिंग है यार, प्यार व्यार में तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऑफ कोर्स है, पर मेरा प्यार आजकल की लड़कियों की तरह सुपरफिशियल नहीं है, जिस दिन भी होगा सच्चा वाला होगा। अच्छा सुन ना, तू भी चलना मेरे साथ पार्टी पे, हो सकता है तुझे भी कोई मिल जाए, और क्या पता है फिर नायक को देख के तेरी प्यार की घंटी बज जाए। टिया, यूं एक बार में देख के जो हो जाए उसे प्यार नहीं कहते। और वैसे भी मैंने तुझे कहा ना, मेरी सोच बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, थोड़ी अलग है। वैसे मेरे ट्यूशन क्लासेस का टाइम हो रहा है तो बच्चे आने वाले, अब तू जा, तू एंजॉय कर। जैसी तेरी मर्जी, बाय। आखिर ऐसा भी क्या है इस विनायक पांडे में, छुट्टियां उससे मिलने के लिए इतनी मरी जा रही है। ऑन अ सेकंड थॉट, आई थिंक मुझे भी जाना चाहिए दिया के साथ पार्टी में, आखिर मैं भी तो देखूं ये विनायक पांडे है क्या चीज। ये लोग, ये म्यूजिक, ये पार्टी किस बात की हो रही है? किसने बुलाया इन सबको? मैंने बुलाया इन सबको। अब अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो होती रहे। वैसे भी मेरी कामयाबी की सेलिब्रेशन पार्टी क्यों वो जी? दो दो कंपनीज को टेक ओवर किया है मैंने, अब नए एम्प्लॉयज और कलीग्स के साथ एक गेट टुगेदर तो बनता है ना। विनायक वो नहीं है, इनसे आपने मुझे नहीं मिलाया जी? हम सिद्धि हैं विनायक की नौकरानी।
नौकरानी हमारे घर की। अब अगर हर नौकर से इंट्रोडक्शन कराता फिरूंगा तो पार्टी तो इसमें खत्म हो जाएगी। ये सब अब क्या बोल रहे हो? इस लाइक नहीं कि तुम्हारे बारे में सबको बताता फिरूं। अगर कोई पूछ रहा है तो बताना पड़ता है। वाओ, इस घर में तो नौकरों की भी ठाट है। देखा नहीं, नौकरानी होके भी विनायक सर से ऐसे बात कर रही थी। हाय हाय हाय, पिन्नू बेटा। बुआ जी, आप रेस्ट कीजिए आज और निशा भाभी को भी ले जाइए अपने साथ। ये नौकरानी ना इस घर में सबका ध्यान रख लेगी। जो भी नाम है तुम्हारा, जाके मेरे गेस्ट का ध्यान रखो। देखो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ सबको जूस और कोल्ड ड्रिंक्स दे के आओ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद ही घर छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। विनायक चाहे हमारी कितनी भी बेइज्जती कर ले, कितना भी मजाक उड़ा ले सबके सामने, हम अपने पत्नी के धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। बेचारा हंसकर, अरे पानी सर के ऊपर चला जाए उसके पहले हम लोगों को कुछ करना होगा। सिद्धि, हाँ सिद्धि, बस भी करो, तुम्हें ऐसे देख के हमें तकलीफ होती है। कब तक विनायक भाई की नफरत सहती रहोगी तुम? जब तक ये जिंदगी रहेगी और ये सांसें चलती रहेंगी। आप लोग देखिएगा, एक दिन यही नफरत प्यार की वजह बनेगी। और वो कहते हैं ना, नफरत जितनी ज्यादा हो प्यार उतना ही गहरा होता। कमाल है बेटी, पिन्नू के प्यार के आगे तुझे अपना दुख अपनी तकलीफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। इतना प्यार करती है हमारे बेटे से। इतना बुआ जी कि जरूरत पड़ने पर अगर जान देनी पड़े तो वो भी दे देंगे अपने विनायक के लिए। इतना अपमान, इतना तिरस्कार सहकर भी इतना प्यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम सिद्धि? विनायक के प्यार की मिट्टी से। पंडित जी ने कहा था कि विनायक की कुंडली में ग्रह दोष, अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनके जीवन पे संकट आ सकता है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, एक सुहागन के लिए उसका मान सम्मान उसके मांग में भरे दो चुटकी सिंदूर से बढ़ के नहीं होता। विधायक बुरे इंसान नहीं है बुआ जी, बस हमें भूल कर ये उनकी याददाश्त और हमारी बर्दाश्त की लड़ाई है। और हमें यकीन है इस लड़ाई में जीत हमारे प्यार की होगी। हमें उसके लिए अपनी परीक्षा देनी होगी। वैसे आप ही बताइए, आप जिससे प्यार करते हैं अगर उसके साथ ऐसा हो तो क्या आप उसे छोड़ देते या उसके साथ रह के उसे बचाने की कोशिश करते? हम अकेले थोड़ी ना हैं, आप लोग हैं ना हमारे साथ। हमें विश्वास जीत हमारी ही होगी। सिद्धि और विनायक के बीच अब कोई नहीं आ सकता, और जो आने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं आने देंगे। विनायक सर,
अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी एक फ्रेंड से आपकी बात करवाना चाहती हूँ। तो एक्चुअली क्या है, व्हेन आई टोल्ड हर कि मैं आगरा के सबसे हैंडसम लड़के की पार्टी में जा रही हूँ, उसको यकीन ही नहीं हुआ। तो बस इसलिए मैं उसकी आपसे बात कराना चाहती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? रिद्धि। ओके मैं एक सेकेंड कॉल करती हूँ। हाँ टिया बोल। रिद्धि सुनना, विनायक सर मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं, मैं तेरी अभी उनसे बात कराती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बात बात नहीं करनी, तू रहने दे प्लीज। अरे एटलीस्ट हेलो तो बोल, पता नहीं फिर कभी चांस मिले या नहीं। मैं अभी बात करा रही हूँ। टिया क्या हुआ, कहाँ गए तेरे हैंडसम बॉस? पता नहीं यार, अभी तो यहीं थे। ओह नो, बैटरी डेड हो गई। एनीवे अब तो विनायक सर की यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। मैं रिद्धि की बात सर से कभी और करवा दूंगी, पावर बैंक ले लेती हूँ। पर I'm really sorry विनायक सर। It's okay. कितने नौकर हैं यहाँ पे, उनसे हिसाब करवा दूंगा, तुम टेंशन मत। सॉरी। हेलो, क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? खैर जो भी है, इधर आओ। ये देखो, तुम्हारे मालिक विनायक पांडे के शूज और पैंट गंदी हो गई, साफ करो उसे। वो कमान सुना नहीं तुमने? चलो शू साफ करो। तुम्हें पता है ना, गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है विनायक पांडे की लाइफ में। चलो, इन पेपर्स की और तुम्हारी औकात बिल्कुल सेम है। विनायक पांडे की खासियत है और रद्दी का भी पूरा इस्तेमाल करता है। शक्ल क्या देख रहे हो? चलो शू साफ करो मेरे। तुमसे कह रहा हूं शू साफ करो मेरे, अभी। तुमने सुना नहीं शायद, अभी साफ करो। सबके सामने अपनी पत्नी को अपमानित करना तुझे शोभा नहीं देता बेटा, ये बहुत गलत है। चेहरा देखिए सिद्धि का विनायक भाई, आपको इसके आंखों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे। इतनी बेइज्जती सिर्फ आपके लिए सहन कर रही है ये। आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा विनायक भाई सिद्धि का चेहरा देख के? हो क्या गया है आपको? इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी हरकत, अपनी पत्नी को ही नौकरानी बना के रखा है, ये कैसा कैरेक्टर है विनायक पांडे का? कमाल है, इमेज हीरो वाली और काम विलन वाला, नॉट डन। बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करूंगा मैं इसके साथ। Gosh, she is not my wife. शक्ल देखो इस सांवली और बदसूरत लड़की की, कौन से एंगल से ऐसी लड़की विनायक पांडे की पत्नी हो सकती है?
सपने में भी कभी ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। रियलिटी में होना तो दूर की बात है। इसे सामने लोगों से नफरत है मुझे, चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता इन लोगों का मैं। निकलो यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहां से। Just get lost. Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.